भी दंगल कहीं के विशाल भूमिया बाबा के भैरव बाबा के चौकी दंगल आयोजक या स्थानीय विधायक सम्मान्य घनश्याम बहन जी, सम्मान्य प्रधान कल्पना जी और यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब सभी यहाँ पे पूर्व विधायक और तमाम यहाँ पर दूर दराज से पंच पटेल और इस एरिया के पूरे 36 गांव में रहने वाले सभी जाति सभी धर्म के लोगों को मैं कितना आभारी हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपको सभी नमन करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं तेरे से आप अपना बार शुक्रगुजार हूँ। मैं सरकार में मंत्री था, जितना मैं काम कर सकता था आपका आशीर्वाद से मैंने काम किया, सड़कों का विकास हुआ। आज जिस तरह के मैं आप सब लोगों से जिता, आज ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच हम नहीं देंगे क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अतिवृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए और जितने जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसानों का उचित मुआवजा के लिए अभी कलेक्टर साहब से बात करिए। अभी कलेक्टर टोला नहीं मानने वाले हैं, उसके बाद इसका मुआवजा मिलना चाहिए। असल में किसी नुकसान हुआ है और मैन डिपल मीडिया के साथ जो अन्याय हुआ है उसका निष्पक्ष सीरियल से वो जांच हो तब जाके न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। आप सब लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। और भाई विकास के लिए यहाँ के गांव के पंच पटेल बैठ के आज मेरे कहने में यहाँ पर आप सब लोग अलग से बातचीत करके, मैं कोई दूर का नहीं हूँ, विधायक जी कोई दूर के नहीं है, आप सब लोग मेरे को आपने आशीर्वाद दिया और यहाँ का आयोजन विधान आयोजन दिया। मेरी माता बहने बुजुर्ग सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और जो भी बैठ के विधायक के काम होंगे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। उसने आप करवा लेंगे अरे भाई समझो मेरी बात को, उसकी बोल तो दिया मैंने, अभी तो बोला है, अभी तो बोला है। अरे भाई बोल तो दिया, सुना नहीं क्या आपने? मेरा कहने का मतलब है ना, विकास का कोई काम होगा उसको अलग से बैठ के करेंगे। आज हमारा मन तो नहीं है अलग से बैठ के, जो भी चर्चा होगा जितना प्रेजेंट नहीं होगा मेरे। धन्यवाद सांसद साहब, हमने तो